सो वी विल सी सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द लास्ट टाइम डिस्कशन, कि हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया उसके ऊपर. नोट्स लिख रहे हो सभी लोग? यस पीडीएफ का तो कोई इशू नहीं है कि मैं लेट से पीडीएफ दे रहा हूँ. ऑलमोस्ट जिस दिन लेक्चर हो रहा है उस दिन ही दे दे रहा हूँ, है ना. तो नोट्स आप बिल्कुल अपडेट रखो, नोट्स लिखना जरूरी है, ठीक है. सो वी टॉक्ड अबाउट थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, राजेश, यू आर सेइंग समथिंग, योर हैड हैंड इज रेस्ड. सर। क्या कह रहे हो, बोलो. सर आपने जो असाइनमेंट भेजा था ना वर्क पावर एनर्जी का, तो उसमें डाउट था दो क्वेश्चन में। हाँ, उसमें डाउट्स हैं. ओके, जस्ट मिनट, हाँ, ओपन कर लेता हूँ. दो असाइनमेंट भेजा था, एक ही भेजा है वर्क फॉर एनर्जी का. एक ही भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8. सो यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन. इंटीग्रेशन ही है इसमें, ठीक है. कर पाऊंगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज, एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है एक्ट ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एंड पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट का मतलब क्या हो गया? यू इक्वल टू 0 एट टी इक्वल टू 0. वर्क डन बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 1 सेकेंड, राइट. वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 1 सेकेंड. नाउ द पॉइंट इज कि मुझे वर्क डन चाहिए. वर्क डन के लिए क्या होता है? यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं एफ इंटू डी एक्स से का इंटीग्रेशन. अभी ये 6 t इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन है, तो मुझे एक्चुअली पोजीशन चाहिए होगा कहाँ से कहाँ तक ये इंटीग्रेट होगा. सो एक्चुअली हमें क्या चाहिए? तो डी एक्स चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको. देखो यहाँ टाइम वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल है, तो या तो पूरा एक्सप्रेशन टाइम में चला जाए या तो पूरा एक्सप्रेशन एक्स में चला जाए. यही दो काम कर सकते हैं, अभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग देखें कि एक्स और टी का रिलेशन के लिए क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन चाहिए. फोर्स से एक्सेलरेशन आ सकता है, तो ए इक्वल्स टू एफ अपॉन टी होता है, एफ अपॉन एम होता है. सो दिस इज कमिंग 6 t अपॉन 1, दैट इज 6 t, 6 × t. इसे dv अपॉन dt लिख सकते हो, 6 t को. dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेशन करोगे. कहाँ से कहाँ तक? शुरू का कंडीशन दे रखा है कि टाइम अगर 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है. तो t टाइम पे, कोई भी जनरल टाइम पे, v वेलोसिटी ले लेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आएगा v, राइट हैंड साइड में t का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 होता है. सो 3 × t² ये सॉल्व होकर के आ जाएगा, ठीक है. फर्दर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है. फर्दर डी वी को क्या लिखोगे? dx / dt लिखोगे.
सो 3t² into dt ऐसा लिखना पड़ेगा। आइदर यू कैन गो फॉर इंटीग्रेशन हेयर और फिर आगे वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूँगा तो सीधा सीधा dx को उठा के यहाँ रख दूँगा, क्योंकि अब dx को हम dt के टर्म में लिख सके हैं, है ना। सो ये स्टेटमेंट आएगा 6t, और इधर से dx के जगह पे क्या आएगा 3t² into dt। टाइम का वेरिएशन है कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट 1 सेकेंड, सो 0 से 1 सेकेंड तक। बाकी सॉल्विंग है, 6 into 3 18, t into t² t³, टी क्यूब का इंटीग्रेशन t^4/4 फ्रॉम 0 to 1, सो इट इज 18/4 ऑनली, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, 4.5 आएगा ये आंसर, क्लियर है? यस सर। सो एवरीवन गो थ्रू दिस, आपको इंटीग्रेशन भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा इसमें, ठीक है। इसने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट लगाया है, ठीक है। तो अभी मैंने वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग शुरू कर रहे हैं उस कंसेप्ट को, तो इस पे भी वर्क कर लेंगे। बट यहाँ पे हम लोगों ने वर्क डन का इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है उस पर बात किया है, ठीक है। चलो आगे बताओ, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। सबका वर्क डन बराबर होगा। बॉय अ बॉडी इज लिफ्टेड ओवर द √1 एंड देन √2 सच दैट द फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज सेम इन द बोथ पाथ, देन द वर्क डन इज ओके। या सो एक्चुअली मैंने केवल mg के केस में बोला है कि वर्क डन सेम होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हॉरिजेंटल पाथ सेम होने के वजह से ना वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी सेम हो जाएगा। सो √1 और √2 दोनों से टोटल वर्क डन जो होगा वो बराबर ही होगा, ठीक है। इसने क्या रीजनिंग दिया है, बस एक छोटा सा लाइन बोल करके रुक गया है, तो ये मैं डिस्कस करता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसका आंसर ए होगा। देखो mg के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है क्या राजेश? एमजी के पॉइंट ऑफ व्यू से √1 से जाऊं या √2 से जाऊं, ये डिस्कस किया है मैंने क्लास में, ठीक है। तो दोनों ही केस में mgh वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना ये केवल उतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है। इसने कहा है कि जो फोर्स लग रहा है ना वो टेंजेंशियल टू द पाथ है, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ रहेगा तो इधर टेंजेंट आएगा, यहाँ रहेगा तो इधर टेंजेंट आएगा, सो डायरेक्शन इज चेंजिंग जो फोर्स अप्लाइड है उसका, ठीक है। तो उसके वजह से कैसा वर्क डन करना पड़ेगा मैं बताता हूँ उसका, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है? नहीं सर, और सब हो गया। वेरी गुड। सो आई विल अर्ज एवरी वन ऑफ यू टू डू दिस द सेम वर्क, है ना। आप जितना करोगे अपने आप को उतना ही इम्प्रूव करोगे, रिमेंबर दिस। यहाँ पे एक स्पेशल डिस्कशन है, मे बी शायद मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता था कि वो ज़रूरत है तुम लोग को, इसलिए छोड़ा था। बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, सो एक ट्रैक है इस तरह से, उस पे एक फोर्स लगा करके, और ये रफ सरफेस है, ठीक है, म्यू दे रखा है। दिस हॉरिजेंटल लेंथ इज एल एंड दिस वर्टिकल हाइट इज एच। ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, using tangential force। अब प्रॉब्लम यह है कि टेंजेंशियल फोर्स दिया है तो ए बी ट्रैक का लेंथ नहीं दे रखा है, वो सर्कुलर है ये भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। कुछ सर कुछ कर्व पाथ है ऐसा है, तो देखो क्या करना है, इसमें दोनों तरफ का वर्क डन
को आप ले लेंगे, एक MGH का वर्क डन ले लेंगे और एक फ्रिक्शन का वर्क डन ले लेंगे और फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो अगर मैं पूछूं तुमसे कि MGH का वर्क, MG का वर्क डन क्या होगा, तो आप देखो कि MG इज एक्टिंग डाउनवर्ड, राइट? सो MG नीचे लग रहा है, तो वर्क डन बाय MG इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज माइनस MG इंटू एच। विल यू एग्री विद दिस? जिधर फोर्स लग रहा है उधर कितना डिस्प्लेसमेंट है ये यस हम देखते हैं सर। इसमें। तो नीचे फोर्स लग रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस साइन आ जाएगा एंड माइनस MGH हो जाएगा, ठीक है? MG एक कांस्टेंट फोर्स था थ्रू आउट, ठीक है? हमारा मेन कंसर्न इसमें फ्रिक्शन का वर्क डन है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो देखो क्या करेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे पकड़ोगे इसे, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया आया सबके स्क्रीन पे ये रेड कलर से, लेट्स कॉल इट डी, कुछ भी डी एल मान लेते हैं इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को। आया स्क्रीन पे आपके डी एल डिस्प्लेसमेंट, हाँ ओके। इस समय फ्रिक्शन किधर लगा है? तो फ्रिक्शन एग्जैक्टली पीछे लगा है। यू एग्री विद दिस? और कौन सा फ्रिक्शन है? तो काइनेटिक यस फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। सो एन किधर से निकलता है? एन है नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, तो एन निकलेगा इस साइड से, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है? तो देखो क्या होगा, एक्चुअली इस इंस्टेंट पे ये कितना स्लोप बना रहा होगा? तो लेट अस टेक एंगल थीटा। MG नीचे लग रहा है, कोई मुझे बताएगा कि इस इंस्टेंट पे कितना नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स है? आई वॉन्ट टू नो। एमजी कॉस थीटा। यस, इट इज MG cos थीटा। और ये MG cos थीटा क्या टाइम प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? आई एम टॉकिंग वेयर द आई हैव मेड द फिगर। ऊपर का कोई ब्लॉक ले लो, जैसे जहां एक्स लिखा है वहां पे, तो क्या थीटा चेंज नहीं हो रहा है वहां पे, इंक्लिनेशन? हो रहे हैं सो क्या नॉर्मल कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एन वेरिएबल प्ले। वेर एन इज अ वेरिएबल बिकॉज ऑफ थीटा। थीटा इज द वेरिएबल, रिमेंबर दिस, ठीक है? सो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्शन फोर्स ये है। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? वर्क डन बाय एफ के इक्वल्स टू डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ के इंटू डी एल। एल नहीं बोल करके इसको जेड बोल दो। सी द फिगर एंड टेल मी इफ यू अंडरस्टूड। एफ के इंटू डी जेड, इज इट ओके? और एनीथिंग मिसिंग? वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एफ के इंटू जी डेड डी जेड, डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स, इज इट ओके? और समथिंग मिसिंग हियर? कुछ मिस हो रहा है? बताओ क्या मिस हो रहा है फटाफट। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर दे अपोजिट टू इच अदर? माइनस साइन मिसिंग था, दे आर अपोजिट टू इच अदर ना? फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू इच अदर। सर वो इंटीग्रेशन वो तो बाद की बात है, अभी क्या मिस कर रहा था? तो अभी साइन मिस हो रहा था। यस, लेट्स गो अहेड। एफ जेड को एफ के को पुट करेंगे, तो माइनस साइन के साथ म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा इंटू डी जेड आएगा, ठीक है? देखो इसमें ये वाला पार्ट वेरिएबल है ना? ये वाला पार्ट वेरिएबल है। तो अब जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस म्यू जी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी जेड, ये करना है मुझे। डेल्टा डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू माइनस म्यू एम जी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी जेड। यू सी कॉस थीटा इंटू डी जेड इस फिगर में एक
खास टर्म है। और क्या है वो खास टर्म? तो यहाँ पे इस तरह से हम एक ट्रायंगल बना लें, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा, ठीक है। सो नीचे का कॉम्पोनेंट क्या आएगा, इसे बड़ा करके इधर फिगर बनाता हूं। सो ये है डी जेड, यहां एंगल थीटा है। आई एम आस्किंग अबाउट दिस लेंथ, बेस लेंथ, हाउ मच इज दैट, टेल मी। डीजेड कॉस थीटा। डी जेड कॉस थीटा, यही है वो डी, इधर देखो इंटीग्रेशन में यही टर्म आ रहा है ना। ओके, सो डी जेड कॉस थीटा का मतलब हॉरिजेंटल लेंथ है, डी जेड के करस्पॉन्डिंग हॉरिजेंटल लेंथ। अब यही इंटीग्रेशन करना है, तो आप एक बात को समझो आप, कि सब जगह पे ऐसा ही हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट आएगा जहाँ भी हम वर्कआउट कर रहे होंगे। सो इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या होगा, ये सारा जो हॉरिजेंटल लेंथ है वो सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है। सो कहने का मतलब ये है कि डी जेड कॉस थीटा को हॉरिजेंटली ऐड करना है। बताओ हॉरिजेंटली ऐड करूँ लेंथ को तो क्या मिलेगा मुझे, फिगर में देख करके बताना है। हॉरिजेंटली ए से बी तक सारे टर्म्स को ऐड करो, चलो ग्रीन वाला जो लाइन है ना उसे ऐड करते जाना है। ये जो मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, ये सारे छोटे छोटे पोर्शंस को ऐड करना है हॉरिजेंटली ए से लेके बी तक। सो व्हाट वी विल गेट, डी आवाज रुक के आए, फिर से बताओ, फिर से बोलो। जेड लेंथ एल मिलेगा, कॉस यस लेंथ एल मिलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना। एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, हालांकि छोटा है तो सब हॉरिजेंटल लेंथ बराबर होगा। एक्स फाइव, तो एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, सबको ऐड करोगे तो हॉरिजेंटल लेंथ एल मिलेगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये यह हुआ कि इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, एंड देयर फोर इट इज म्यू एम जी इंटू एल, डन। सो दिस इज वर्क डन बाई फ्रिक्शन, हाउ मच इज दैट, म्यू एम जी इंटू एल, ठीक है। सो जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में है, और जो मेरा अप्लाइड फोर्स है वो एम जी के भी अगेंस्ट में है। मतलब ए से बी तक अगर तुम्हें ले जाना हो तो वो कौन कौन सा फोर्स है जिसे ओवरकम करके बी तक पहुंचा सकते हो, तो एक एम जी के को भी ओवरकम करना है तुम्हें और फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना है तुम्हें, ठीक है ना। सो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन सच केसेस। तो मुझे ये बताओ ये टर्म कॉन्स्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस एम जी इंटू एल। म्यू कांस्टेंट है, एम जी कांस्टेंट है, और लेंथ एल भी कांस्टेंट है, हॉरिजेंटल लेंथ टोटल। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अ ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, दिस लेंथ इज आर एंड दिस लेंथ इज आर ऑन द रफ सरफेस म्यू, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज योर आंसर। तो आपको केवल हॉरिजेंटल लेंथ देखना है, जब भी फ्रिक्शन फोर्स लिखना होगा ना तो हॉरिजेंटल लेंथ देखना है, हाउ मच हॉरिजेंटली इट मूव्ड। ए से बी जाने पे हॉरिजेंटली कितना मूव किया, हॉरिजेंटली आर डिस्टेंस मूव हुआ ना, ए से बी पे जाने पे हॉरिजेंटली आर डिस्टेंस मूव किया। वर्टिकली कितना मूव किया, तो वर्टिकली भी आर डिस्टेंस ही मूव किया। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फॉर्मूला होता है म्यू एम जी, फ्रिक्शन फोर्स तो याद ही है, उसमें सीधा सीधा आर लगा दो,
माइनस क्यों लेते हैं? क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये भी आर है, ये भी आर है। ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए टू बी ऑन द रफ सरफेस, टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द केस टू। सेम रहेगा। सेम रहेगा, ठीक है? एक और केस ले रहा हूं, ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम ए टू बी एंड द ट्रैक इज नॉट स्मूथ, इट इज रफ। दिस लेंथ इज आर एंड दिस लेंथ इज हाइट इज ऑल्सो आर। व्हाट इज द वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन द थर्ड केस? सेम बोलना है जब सेम ये सब, माइनस सो ये अब सब जी। तो बात क्लियर हो चुका है ना कि फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे लिखना है। फ्रिक्शन का वर्क डन जो होगा वो हॉरिजेंटल लेंथ पे अब डिपेंड करेगा। इफ हॉरिजेंटल लेंथ इज सेम सो द वर्क डन बाई फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी सेम, ठीक है? और इस तरह के केस में आपको बार बार ये इंटीग्रेशन नहीं करना, अभी मैंने समझाया तुम लोगों को, ठीक है? डायरेक्ट याद क्या रखना है कि म्यू एम जी वर्क फ्रिक्शन फोर्स होता है, और कैसा भी इंक्लाइन प्लेन हो मुझे बस हॉरिजेंटल लेंथ चाहिए। मतलब ये लास्ट वाला भी एक और बना देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे उसके लिए। ये था स्मूथ, ये रहा इंक्लाइन प्लेन जिसका ये रेडियस, ये लेंथ भी आ रहे, ये भी आ रहे, और ये स्मूथ नहीं है। तो ए से बी पे अगर जाएगा ब्लॉक देन व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? सो सेम है ना? सो अभी क्लियर हो गया है? तो उसका यस सर। आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर बराबर क्यों आएगा? क्योंकि एम जी एच तो सबके लिए बराबर रहेगा और फ्रिक्शन का भी वर्क डन बराबर हो जाएगा, ठीक है? नाउ कम बैक टू अ क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर। सो आई टॉक्ड अबाउट थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? बिल्कुल आसान सा चीज़ है और प्रैक्टिकल है, समझ में आता है बात। स्टेबल का मतलब ऐसा जिसे हम डिस्टर्ब करें तो वापस वो अपने पोजिशन पर आने का कोशिश करें, रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना? अगर अनस्टेबल है तो पार्टिकल को डिस्टर्ब करने पे वो और दूर चला जाएगा, वापस नहीं लौटेगा। न्यूट्रल में जहाँ छोड़ दोगे वहीं पड़ा रह जाएगा। आई डिड इट विथ टू फिगर्स, ठीक है? बाउल्स का और एक कोन का एग्जाम्पल लेकर के समझाया, एंड देन सब कुछ समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये भी मतलब होता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है ना? अनस्टेबल का मतलब होता है हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, ठीक है? सो नाउ ग्राफ पे हमें निकालना था, पोटेंशियल वर्सेस एक्स के ग्राफ पे निकालना था कि कौन कौन स्टेबल है, कौन कौन अनस्टेबल है। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम स्टेट कौन कौन सा है? तो इक्विलिब्रियम स्टेट है ए बी सी डी ई एफ जी, है ना? जहाँ जहाँ पे स्लोप हॉरिजेंटल आ जाएगा वो सारा पॉइंट पे फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है? अब डिसाइड करना है कि इनमें से अनस्टेबल और स्टेबल और न्यूट्रल कौन है। सो व्हाट विल यू से अबाउट ए? हाउ इट इज अनस्टेबल, हाउ इट इज अनस्टेबल? तो फिगर देख के साफ साफ दिखता है कि लोकली इट इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ए पॉइंट को देखो तो लोकली दिस पॉइंट इज एट हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। हाई पोटेंशियल एनर्जी मतलब अनस्टेबल होना। सेम इज ट्रू फॉर सी ऑल्सो, लोकली सी इज एट हायर पोटेंशियल एनर्जी, सो सी इज ऑल्सो अनस्टेबल, ठीक है? बी एंड डी आर स्टेबल, ठीक है ना? ई एफ जी दे आर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट? फिर बात हुआ फोर्स वर्सेस एक्स से, हम इसी बात को अगर डिटेक्ट करना चाहें तो कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो इसमें स्लोप नहीं यूज करना है, नो यूज ऑफ स्लोप, क्योंकि यहां तो डायरेक्ट फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है? सो यहां पे आप सीधा सीधा
पहले पता करो कौन कौन सा जगह है जहाँ पे फोर्स जीरो है। सो ए बी सी डी आर द पॉइंट्स वेयर द फोर्सेज आर जीरो, राइट। तो फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता करना है। ए कैसा होगा, तो इसमें हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करके देखेंगे, ठीक है। तो ए से पहले और ए से बाद में फोर्स का डायरेक्शन ग्राफ से ही पता लग जाएगा, ठीक है। ए से पहले लेफ्ट साइड पे जब था तो फोर्स पॉजिटिव आ रहा है ग्राफ से, ए के जस्ट बाद ग्राफ से फोर्स नेगेटिव आ रहा है एंड देयरफॉर इट इज ऑन लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे एफ रिस्टोरिंग फोर्स के जैसा काम कर रहा है जो वापस ए पे ले जाना चाह रहा है। सो ए इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। सेम विल बी ट्रू फॉर सी ऑल्सो। तो इस बात को बस ध्यान ही रखना है कि ए और सी दोनों एक जैसा रहेगा, बी और डी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन तत्व में भी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी किसके किसके बीच में ग्राफ है, तो फोर्स वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ है, तो स्लोप नहीं देखना है। कह रहे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, यू टेल मी। किसमें भी नहीं होगा। किसी में भी नहीं होगा। पहले तो कौन कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेट है, कौन कौन से पॉइंट पे, तो X1 और X2 पे ना। X1 एक इक्विलिब्रियम स्टेट है और X2 भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह फोर्स जीरो है। अब थोड़ा शिफ्ट करो राइट और लेफ्ट और चेक करो। जैसे X1 के देखो, X1 के आजू बाजू, X1 के पहले बताओ फोर्स किधर आ रहा है, राइट और लेफ्ट। नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, सो लेफ्ट हो गया। और X1 के जस्ट बाद फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, सो राइट साइड। अब बताओ स्टेबल अनस्टेबल, X1 अनस्टेबल, अनस्टेबल, X2 के बारे में क्या राय है, ये स्टेबल है। ये स्टेबल है। चेक करो फिगर से, X2 के थोड़ा पहले पॉजिटिव फोर्स है राइट साइड आएगा, X2 के थोड़ा बाद में नेगेटिव फोर्स है लेफ्ट साइड अनस्टेबल आएगा। सो X2 इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, आंसर इज बी। सर। आसान है बिल्कुल। रीड रीड द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो एच होता है ना, एच एंड एच, दो एटम है एच, ठीक है, तो उन दोनों एच एटम के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है, और इंटरैक्शन का पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ इस तरह से दे रखा है, ऐसा मान लो। आर इज द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है ना, तो एच और एच के बीच में ये रहा आर, सेपरेशन बिटवीन देम, तो उसी तरह से दो पार्टिकल है उसमें। कह रहा है कि बी एंड डी
इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। देखो बी यहाँ पे है और डी इधर है, सी इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड सो ऑन। तो सबसे पहले समझो कि वो दो एटम है ना, दो पार्टिकल, उसमें से एक को फिक्स करो ओरिजिन पे, ये एक पार्टिकल हो गया, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल को आप आर एक्सिस पे मूव कराएंगे, जैसे यहाँ ले लिया मैंने दूसरा पार्टिकल, आ रहा है स्क्रीन पे सबके रेड डॉट, ठीक है ना। यस सर। सो ये रहा दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। अब जो पार्टिकल टू बनाया है मैंने, वन को तो ओरिजिन पे फिक्स कर दिया, टू को मूव करेंगे हम, ठीक है। टू को राइट साइड मूव करेंगे तो आर बढ़ेगा, मतलब वन से दूरी बढ़ेगा, और टू को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो आर से डिस्टेंस कम होगा, आर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया कि डिस्टेंस कैसे लेना है। अब अलग अलग डिस्टेंस के लिए ना अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है। चलो बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम इसमें कहाँ कहाँ दिख रहा है तुम्हें, सॉरी स्टेबल नहीं, पहले इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ दिख रहा है। सर बी बी एंड डी, ध्यान देना यू वर्सेज आर का ग्राफ है ये, तो इसमें तो डी यू अपॉन डी आर जहाँ पे जीरो होगा वो इक्विलिब्रियम होगा ना। फोर्स वाले में भी सीधा सीधा एक्सिस पे आते हैं। तो आप बताओ कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ लग रहा है कि इक्विलिब्रियम होगा, स्लोप कहाँ कहाँ हॉरिजेंटल दिख रहा है तुम्हें, सी पे ई पे एंड एफ पे। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? हेलो सर, यस बोलो। सर आप फिर से समझा सकते हो ये यू वाला, यू वर्सेस आर। यू वर्सेज आर में मैंने पूछा कि कौन कौन सा पोजीशन है जहाँ पे फोर्स जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम कहाँ पे है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर इक्विलिब्रियम? यस डी यू अपॉन डी आर हैज टू बी जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स का जीरो होना होता है, तो फोर्स जीरो का मतलब माइनस डी यू अपॉन डी आर। सो डी यू अपॉन डी आर को जीरो होना पड़ेगा, मतलब स्लोप को हॉरिजेंटल होना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पे हो रहा है वो? सो सी पे हो रहा है, ई पे हो रहा है, और एक एफ पे भी दिख रहा है मुझे। देयरफॉर सी एफ एंड ई आर इक्विलिब्रियम। नाउ वी विल गो फॉर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मिनिमम पोटेंशियल है सी पे, क्या दिख रहा है तुम्हें मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम सो इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। ई पे क्या दिख रहा है तुम्हें? मैक्सिमम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। एफ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस पे, फोर्स का भी डायरेक्शन समझा रखा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बी और डी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, ठीक है। सी इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यस तुमने बोला है कि सी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। स्टेटमेंट फोर पढ़ो, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल इज सर। अट्रैक्टिव बिटवीन सी एंड डी। तो पहले आप सी और डी में जाओ, फिगर में आते हैं। जब पार्टिकल सी से लेके डी के बीच में कहीं भी रहेगा, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कलर, ये पोजीशन है सी और डी का। बताओ इस पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, राइट और लेफ्ट? तो स्लोप से आएगा लेफ्ट वो, नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, कर्व पे स्लोप बनाते हैं, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, तो फोर्स नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव, राइट। ओके सो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, यस अट्रैक्टिव है सी और से डी के बीच में। कह रहा है कि डी और ई के बीच में रिपल्सिव होगा, डी और ई के बीच में। फिर से मैंने एक और ग्रीन डॉट बनाया, दिखा सभी को, डी एंड ई के बीच में, ठीक है, ग्रीन डॉट। अब ये हटा देता हूँ, हाँ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। तो स्लोप कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो फोर्स अभी भी निगेटिव है, यस सर। सो अट्रैक्टिव अभी भी है या रिपल्सिव बन गया? रिपल्सिव। अरे लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है,
टू पे, तो वन के तरफ लग रहा है टू का फोर्स, तो अट्रैक्टिव हुआ रिपल्सिव हुआ? अट्रैक्टिव हुआ। जब दोनों का फोर्स एक दूसरे के तरफ लगेगा तो अट्रैक्टिव कहलाएगा। तो जिधर वन है उधर ही फोर्स लग रहा है टू के ऊपर, तो अट्रैक्टिव है, अवे लगता तो रिपल्सिव बनता। सो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट थ्री पार्शियली करेक्ट था, बट सेकेंड पार्ट इसका गलत हो गया, इसलिए ओवरऑल ये स्टेटमेंट थ्री ही गलत हो गया। फोर पे बात करते हैं। हेलो सर, यस सर डी और ई कैसे अट्रैक्टिव हुआ? डी और ई के बीच में, बिटवीन बोलता, डी और ई नहीं बोल रहा हूँ, बिटवीन है ना, रिपल्सिव बिटवीन डी एंड ई। तो पहले एक पॉइंट लो, डी और ई के बीच में लिया तुमने पॉइंट, देखो ग्रीन डॉट क्रॉस सर, होगा वहां पे, आया तुम्हारे स्क्रीन पे। हाँ ओके, इस जगह पे फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, तो यू वर्सेस एक्स के ग्राफ पे स्लोप देखा जाता है। तो स्लोप देखो कैसा आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है। हाँ तो फोर्स नेगेटिव हो गया। नेगेटिव फोर्स का मतलब लेफ्ट साइड, हाँ और लेफ्ट में पार्टिकल वन खड़ा है ना। वन कहाँ पे था, ओरिजिन पे है ना वन। हाँ देर आर टू पार्टिकल, वन पार्टिकल इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन एंड सेकेंड पार्टिकल आई वॉज टॉकिंग अबाउट, जो ग्रीन डॉट लिया है, तो लेफ्ट में फोर्स लग समझा, रहा है, तो अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, ये अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव है। सो सेकेंड पार्ट की वजह से स्टेटमेंट थ्री गलत हो गया। आ जाओ, इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू पार्ट, बिटवीन द पार्टिकल्स इज रिपल्सिव बिटवीन ई एंड एफ। तो ई एंड एफ पे पहले जाओ और एक डॉट लो, ई और एफ के बीच में एक डॉट लिया मैंने, स्लोप तो निगेटिव है, तो फोर्स कैसा हो गया, पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब राइट साइड, और राइट साइड का मतलब रिपल्सिव। इज इट ओके? सर। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब चूज कर लो ए बी सी डी में। तो कैसे सी क्वेश्चन को समझना है, ये बात क्लियर हुआ? टू पार्टिकल में से एक पार्टिकल को आप ओरिजिन पे फिक्स करेंगे, और दूसरे पार्टिकल को जैसा इंस्ट्रक्शन मिल रहा था वैसा हम पार्टिकल को रख करके चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब समझाया है कि कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स का स्लोप के थ्रू। सो अगेन आसान क्वेश्चन है, थोड़ा शुरू में हो सकता है टाइम लगे समझने में, बट एक बार ही क्लियर हो जाए, लेवल टू के क्वेश्चंस कर रहे थे आप, तो एक बार ही क्लियर हो जाता है तो बहुत आसानी से पकड़ पाओगे। चलो और क्वेश्चन यहाँ नहीं दिख रहे हैं, तो अब हम लोग, ये ग्राफ से डिस्कशन चल रहा था, नाउ वी विल टॉक ऑन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से कुछ बात कर लेते हैं। सो जेई मेन्स का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैथमेटिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बट जिस लेवल पे तुम लोगों को मैंने सिखा रखा है उस लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, सो एवरीवन जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस, आफ्टर दैट आई विल टॉक। सो एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है अंडर द फोर्स गिवन बाय एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब, वेयर के इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट।
ठीक है। के एंड ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखोगे। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो द फंक्शनल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स फोर्स दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा ये बताना है पार्टिकल का। तो आप जानते हो एक पार्टिकल में फोर्स है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, या पोटेंशियल एनर्जी है तो उसमें कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ऑफकोर्स दिस एफ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। वट इंफॉर्मेशन वी हैव रिगार्डिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है कि एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है, और इक्विलिब्रियम होने के लिए ये जीरो होना चाहिए, डी इसलिए स्लोप जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फोर्स को जीरो कर दोगे, यहां से माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो आएगा। यहां से सॉल्व करोगे ना तो एक्स के तीन वैल्यू दिख रहे हैं तुम्हें, माइनस के ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्या आएगा सॉल्यूशन? तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन ए आएगा, और वहां से एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर के अपॉन ए आएगा। सो टोटल तीन वैल्यू एक्स का मिल रहा है, जीरो प्लस रूट के अपॉन ए एंड माइनस रूट के अपॉन ए। एनी डाउट एट दिस पॉइंट? नाउ व्हाट इज दिस एक्स? ये जो एक्स का वैल्यू आया है ये क्या है? तो आप बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये, क्योंकि कैसे निकाला है मैंने, तो मैंने फोर्स को जीरो करके निकाला है, ठीक है। नाउ कम टू द फिगर। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में बोल रखा था एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला को कट कर दूं क्या मैं? ये जो है एक्स इज कमिंग विथ समथिंग निगेटिव, तो इसे छोड़ दें अभी हम। श्रीपति बताओ। यस सो आई हैव ओनली टू पॉइंट्स जहां पे इक्विलिब्रियम होगा, एक है एक्स इक्वल टू जीरो और एक है रूट अंडर के अपॉन ए। बताओ इस समय डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, बताइए फटाफट। जहां पे इक्विलिब्रियम होता है वहां पे डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होता है? जीरो वेरी गुड। सो यू वर्सेज एक्स ग्राफ में आप देखो कि कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है, मतलब स्लोप जीरो ओरिजिन पे है क्या? कौन कौन सा फिगर है जिसमें हो रहा है? ए फिगर पे बात करो, स्लोप बना दो जरा, ओरिजिन पे स्लोप बनाओ, फिगर ए में ओरिजिन पे स्लोप। देखो आप भी ऐसे ही सोच रहे हो या मैंने कुछ गलत बना दिया? ओरिजिन पे स्लोप फिगर ए में, एम आई राइट और नॉट? ओके, सो स्लोप इज कमिंग नॉन जीरो। देखो जीरो आने का मतलब हॉरिजेंटल होना चाहिए, नॉन जीरो, तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। बी में देखो, तो बी में ना ऐसा कहाँ कहाँ पे लाइन मिल रहा है, तो ओरिजिन पे मिल रहा है, देखो हॉरिजेंटल टेंजेंट, एक यहाँ भी मिल जा रहा है, बट ये आगे चल करके भी एक जगह मिल रहा है, ठीक है। तो तीन इक्विलिब्रियम स्टेट्स मिल रहा है मुझे, जो कि जबकि मेरे पास दो ही इक्विलिब्रियम स्टेट हैं, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन ए, तो तीसरा है ही नहीं, तो बी नहीं होगा। लेकिन एक और मेथड है जिससे मैं बताऊंगा तुम्हें कि बी क्यों नहीं होगा, दो वजह से बता दे रहा हूँ। एक तो इक्विलिब्रियम स्टेट देख करके मैंने बोल दिया कि बी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक और तरीका है जिससे हम समझेंगे कि बी नहीं होगा, उस पर भी आता हूँ। पहले सी पे बात करते हैं, ओरिजिन पे बताओ स्लोप जीरो आ रहा है क्या? कर्व तो ऊपर चलता चला जा रहा है, ओरिजिन को टच ही नहीं कर रहा है, स्लोप तो बनेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस ओरिजिन सर। ओरिजिन के तरफ ये जो है ना इन्फिनिटी को जा रहा है,
तो हम क्लियर कट वहाँ पे स्लोप नहीं बना सकते हैं, और वो जीरो तो कम से कम नहीं होगा। जीरो होने के लिए जो टेंजेंट बनाएंगे ना, वो हॉरिजेंटल आना चाहिए। तो इसलिए सी तो डायरेक्ट नहीं होगा। ए और सी क्यों नहीं हुआ डायरेक्ट? क्योंकि ओरिजिन पे हम जीरो स्लोप नहीं ले पा रहे हैं, तो ए और सी पक्का नहीं होगा। ठीक है, बी और डी होगा। बी में देखो, और जहाँ ओरिजिन है वहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन बना सकते हैं कर्व के ऊपर, सो यस पॉसिबल। एक और बना सकते हैं, यस पॉसिबल, लेकिन उसके बाद अब नहीं बना सकते हैं। कर्व ऐसे नीचे चलता चला जा रहा है, तो आप हॉरिजेंटल स्लोप तो नहीं बना सकते आगे कहीं भी। सो आंसर इज डी। ठीक है, लेकिन मैंने जैसा बोला था कि ये स्लोप देख करके मैंने बात किया है, बट एक और तरीका है जिससे हम बी और डी में, देखो ए और सी पहले ही समझ चुके थे कि नहीं होगा, तो वो तो हटा चुके हैं। बी और डी में डिसाइड करना है। ठीक है, और डिसीजन किस पे लेंगे? तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे लेंगे, क्योंकि ओरिजिन ओके है दोनों का, और एक पॉइंट भी दोनों के लिए सेम दिख रहा है ना? तो डिसीजन किस पे आना है अब? एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे आना है। एम आई राइट और नॉट? ट्रू। तो अब जरा देखो, इन्फिनिटी पे स्लोप जीरो हो रहा है, या ऊपर जो इक्वेशन है ना एफ एक्स, उसमें हम इन्फिनिटी रख करके देखेंगे कि क्या आता है। सो व्हेन आई पुट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्स इन्फिनिटी? व्हाट इज दिस कमिंग? इज इट कमिंग जीरो और इन्फिनिटी? और इन्फिनिटी में भी प्लस इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है? तो तुम्हें क्या सोचना है वो देखो। यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स क्यूब है, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा क्या? जैसे 100 ही पुट करना है, एक्स के जगह पे 100 ही पुट करना है। ठीक है, तो 100 पुट करना है, तो एक जगह 100 रख रहे हो और दूसरी जगह 100 का क्यूब रख रहे हो, तो सर्टेनली लार्जर द वैल्यू ऑफ एक्स, सेकेंड टर्म विल बी लार्जर। सो इन्फिनिटी पुट करने पे इन्फिनिटी तो दोनों ही टर्म होगा, लेकिन सेकेंड टर्म लार्जर होगा, तो आंसर होगा कि फोर्स जो आ रहा है ना वो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम डूइंग हियर। यस सर। एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे तो दोनों इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन जिस पे क्यूब है वो बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस इन्फिनिटी फोर्स आ रहा है। नाउ फोर्स को अगर मैं स्लोप से कनेक्ट करूँ, क्योंकि यू से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी, अगर एफ के जगह मैं इन्फिनिटी रखूँ, तो डी यू अपॉन डी एक्स, डू यू थिंक दैट इट इज माइनस इन्फिनिटी होगा? अगर एफ पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो उसके साथ ये माइनस लगेगा, तो माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। तो कहने का मतलब यही आ रहा है कि इन्फिनिटी पे निगेटिव स्लोप आना चाहिए। आई रिपीट व्हाट आई एम सेइंग, यू वर्सेस एक्स पे इन्फिनिटी पे निगेटिव स्लोप आना चाहिए। अब आ जाओ दोनों फिगर को देख लो, बी पे ही बताओ ना, इन्फिनिटी पे यही बनाया है मैंने, ये निगेटिव स्लोप तुम्हें लग रहा है क्या? नहीं नहीं लग रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे निगेटिव स्लोप ऐसा बन सकता है, ये देखो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो ये लाइन नीचे गिरते चला जा रहा है, सो इट इज निगेटिव इन्फिनिटी, है ना? निगेटिव तो है ना, इन्फिनिटी छोड़ दो तुम, निगेटिव तो है ना स्लोप। सर। चलो इन्फिनिटी कब होता है स्लोप में? तो टेन 90 पे होता है, तो आप खुद ही देखो, जितना ये वर्टिकल होगा उतना ही ये 90 डिग्री के करीब होने जा रहा है, तो आप जानते हो टेन 90 इन्फिनिटी होता है, तो स्लोप विल बी इन्फिनिटी व्हेन इट लुक्स लाइक दिस। सो कंफर्म हो चुका है क्या आंसर? डी। यस सर। फाइन, आंसर इज डी। आई रिपीट व्हाट आई डिड, क्वेश्चन दे रखा था एफ के फॉर्म में और सवाल था पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसा होगा। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, फोर्स को जीरो कर दिया ताकि इक्विलिब्रियम निकल के आए, और यू वर्सेस एक्स पे इक्विलिब्रियम स्लोप से निकलता है, तो हॉरिजेंटल स्लोप होना चाहिए हर उस जगह पे। तो निकल के आया कि दो पॉइंट है, एक्स इक्व टू जीरो और एक कोई पॉजिटिव पॉइंट है जहाँ पे स्लोप हॉरिजेंटल होना चाहिए। तो पहले मैंने जीरो के लिए ही चेक किया, तो वन में नहीं दिखा मुझे और सी में नहीं दिखा मुझे, ए में नहीं दिखा और सी में ओरिजिन पे हॉरिजेंटल स्लोप नहीं दिखा। सो ए और सी को रिजेक्ट कर दिया, बी और डी में दिखा मुझे, फिर बी और डी में आगे भी एक पॉइंट पे दिखा, लेकिन बी में इन्फिनिटी पे भी हॉरिजेंटल स्लोप दिख रहा है, तो आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन वो नहीं आया। आई विल शो यू एक्सप्रेशन कि कैसा एक्सप्रेशन के लिए इन्फिनिटी पे भी हॉरिजेंटल स्लोप हो जाता है, वो मैं शो करूँगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा था और इसलिए बी हो जाएगा, डी होगा इसका आंसर। दूसरा मेथड मैंने बताया कि इन्फिनिटी पुट करके चेक करते हैं कि स्लोप किधर आ रहा है, कितना आ रहा है। तो मैंने इन्फिनिटी जब पुट किया फोर्स में, तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, और इस फोर्स को स्लोप से कनेक्ट करूं तो स्लोप होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी। अब बी और सी, बी और डी को मैं देखूं तो इन्फिनिटी पे स्लोप निगेटिव किस में आ रहा है, तो वो केवल डी में आ रहा है, बी में तो पक्के से नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई एम फाइनली कंक्लूडिंग आंसर डी। ऑफ कोर्स हाई लेवल क्वेश्चन, बट अगर बात समझ में आ गया है तो फिर ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं रह जाएगा। सीधा सा पॉइंट है, कंसेप्ट क्लियर है तो टफनेस कुछ नहीं होता है। अगर कंसेप्ट ही नहीं पता है, पढ़ते ही नहीं है, तो हर चीज़ टफ हो जाएगा। सी दिस इज द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज अगेन द सेम। सो इस पे वर्कआउट नहीं करेंगे, आप खुद से ही आंसर बता दोगे, ठीक है। एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार करने से आंसर भी याद हो जाता है, बट आई विल ऑलवेज स्ट्रेस ऑन यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। 700 प्लस स्कोर करना है अगर नीट में, तो उसके लिए आपको फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना होगा, कंसेप्चुअली, रट पट करके नहीं। सो सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द आंसर टू दिस, सी सी इज द आंसर टू दिस, कुछ इसमें डिस्कशन नहीं करना है हमें। या आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इक्वेशन से हम कैसे पता करेंगे, तो फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, कुछ चेंज नहीं है। इन दिस क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, ठीक है, ए और बी को पॉजिटिव कॉन्स्टेंट कह दिया है, द इक्विलिब्रियम पोजिशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड डिस्कस द नेचर ऑफ देयर इक्विलिब्रियम, स्टेबल है अनस्टेबल है क्या है, ये बताना है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स को जीरो करना, तो यू से एफ कैसे मिलेगा, यू से एफ कैसे मिलेगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स करके, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। फॉर इक्विलिब्रियम
एफ को जीरो होने का है, इसलिए टू ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन टू ए, एक ही इक्विलिब्रियम मिल रहा है ना, एक ही इक्विलिब्रियम मिल रहा है। अब ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे चले जाओगे, ठीक है, यू के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे चले जाओगे, ठीक है। तो यू कितना आया था, सॉरी डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया था, डी यू अपॉन डी एक्स इज टू ए एक्स माइनस बी, ठीक है ना। ये जो माइनस साइन था वो तो फोर्स के डेफिनेशन में था, केवल यू का डिफरेंशिएशन कितना है, टू ए एक्स माइनस बी, सो डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बताओ क्या होता है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, वही टू ए पॉजिटिव है या निगेटिव है ये, पॉजिटिव। सो अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो यू मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम उल्टा चलता है, मिनिमम होगा। सो यू इज मिनिमम एट विच पॉइंट, एक्स इक्वल टू बी अपॉन टू ए। अभी यू मिनिमम है तो स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल। वेरी गुड, सो द फाइनल आंसर इज दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, डन, ठीक है। तो हमने वो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाला और वहां पे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम भी पता कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। सो इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड ऑल, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन में यू दे रखा है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछता है मतलब एफ को जीरो करना है, तो यू से एफ तुम निकालोगे पहले, यू से आप एफ निकालेंगे डिफरेंशिएट करके और उसे इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो आपको एक्स पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद डी यू अपॉन डी एक्स है तुम्हारे पास, एक और डिफरेंशिएशन कर देना, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है वो डिसाइड करेगा कि इस नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है ना। सो लेट्स डू इट, यू इक्वल्स टू -20 प्लस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -20 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा यहाँ पे, सो टू इंटू एक्स माइनस टू आएगा, ठीक है। एफ इक्वल्स टू -du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, और इसलिए 2x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो मतलब x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस जगह पे स्टेबल है या अनस्टेबल है तो इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वो आ रहा है 2, यू नो दैट x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। नाउ बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन जीरो सो यू यहाँ पे मिनिमम है एट x इक्वल्स टू 2, मतलब स्टेबल अगेन, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड, नेक्स्ट कंसेप्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। इसे शॉर्ट में आप लिखोगे डब्ल्यू ई टी, वेट, वर्क एनर्जी थ्योरम विल बी रिटन एज वेट, ठीक है। व्हाट इज इट सेज,
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। Equals to change in kinetic energy. So everyone repeat this first. एक बार सब लोग जरा इसे पढ़ लो. Change in kinetic energy of the body. एक body पे बहुत सारा force लग रहा है. So उन सारे forces का जो total work done होगा, work done by all the forces. इज इक्वल्स टू वॉट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बस इतना ही है. ये इसको मैथमेटिकली लिखूं तो वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड यू ऑलवेज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. अभी ऑल का मतलब क्या है, तो आप जितना सोच सकते हो, जो भी फोर्सेस सोच सकते हो. तो हमने कुछ फोर्सेस को कैटेगराइज कर रखा था. एक्सटर्नल फोर्स, जैसे जो हम पुश एंड पुल करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स, उसका वर्क डन. कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, जैसे एमजी लग रहा हो, स्प्रिंग फोर्स लग रहा हो, ठीक है. और कौन है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स. और कौन सा फोर्स ले सकते हैं, इंटरनल फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स के वजह से. और कौन सा फोर्स ले सकते हो, तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हो तो स्यूडो फोर्स भी लेना पड़ सकता है. सो इन दिस आई हैव कंसीडर्ड ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी विच लीड्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो अगर आप इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहे हो तो स्यूडो फोर्स का जरूरत पड़ेगा क्या? स्यूडो फोर्स कब लेते हैं, इनर्शियल से या नॉन इनर्शियल से? बोलना है. इनर्शियल का मतलब ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन नहीं हो, नॉन इनर्शियल. और नॉन इनर्शियल का मतलब होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में हम स्यूडो फोर्स को नहीं लेते हैं क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम से वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, ये जो इंटरनल एनर्जी होता है. यस यस राजेश सर, असाइनमेंट में ना एक क्वेश्चन आया था, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्सेस, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो. तो जीरो है ना आंसर? नहीं नहीं, इट कैन बी एनीथिंग. सी, सबसे पहले स्यूडो फोर्स कब लोगे? स्यूडो फोर्स तब लोगे जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाओगे. तो वर्क डन मिलेगा, तो वर्क डन मिलेगा, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, इट कुड बी एनीथिंग. बस तुम्हें ये क्लियर करके रखना है कि स्यूडो फोर्स तब लगाओगे जब आप एक्सेलरेटेड कार में बैठोगे. ठीक है, देखो स्यूडो फोर्स को आप जनरल वर्क के जैसे, जनरल वर्क के जैसा समझो. तो कोई भी फोर्स का वर्क डन क्या पॉसिबिलिटी है, इट कुड बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव, एनीथिंग. बस स्यूडो तभी लेंगे जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से रहेंगे. तो इसलिए उसका आंसर होना चाहिए ऑल. ठीक है, इंटरनल एनर्जी का मस्ट यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग. मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं अभी. जो दूसरा फिजिक्स का फील्ड है वो है क्वांटम फिजिक्स. ठीक है ना, एक है क्लासिकल फिजिक्स और एक है क्वांटम फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स इज व्हाट वी आर स्टडिंग. ठीक है, जो इन जनरल हम लोगों ने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना जिन सब चीज़ों को, उसके बेसिस पे ये वाला थ्योरी है जो आप अभी स्टडी कर रहे हो, जिसमें जब बस या कार या ट्रेन चल रहा है ना, तो उसका लेंथ बड़ा छोटा होता है ये तुम्हें नहीं पता है. एम आई राइट और नॉट? व्हेन अ कार इज रनिंग एट से 100 किलोमीटर पर आवर, बट स्टिल यू कैन नॉट से दैट द कार लेंथ हैज चेंज्ड ड्यू टू मोशन. सो ये हमारा नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस है ऐसा. उसके बेसिस पे हमने ये सब थ्योरी को डेवलप कर रखा है, विच इज़ द क्लासिकल मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं. बट क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है कि वही कार जो स्पीड पे चल रहा है ना, हालांकि क्वांटम फिजिक्स जैसे ही आता है, यूजुअली बॉडी का स्पीड जो है वो लाइट के स्पीड पे लेना पड़ेगा हमें, तब जाके हम बात करेंगे, मतलब वेरी हाई स्पीड. तो अ कार इफ रनिंग एट 500 600 किलोमीटर,
इट्स लेंथ चेंजेस, ये सब आप आगे चल करके पढ़ोगे, इसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, बट नॉर्मल लाइफ में हम वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो जब हम माइन्यूट लेवल पे जाके बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, कि ये भी चीज़ हो रहा है एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट इट हैज़ इम्पॉर्टेंस, इन दैट केस वी विल स्टार्ट स्टडिंग क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स में इंटरनल फोर्स का वर्क डन आता है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि आपको पता है नेट फोर्स इंटरनल इज जीरो ऑन अ बॉडी, एम आई राइट और नॉट, टेल मी। इंटरनल फोर्स जो होता है ना कोई भी बॉडी पे, वो हमेशा जीरो ही होता है। कहने का क्या मतलब है कि टेबल पे एक बुक रखा है, बुक के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, यही है वो इंटरनल फोर्स, ठीक है। क्या इंटरनल फोर्स के वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा इस बुक में, बताइए मुझे, नो सर, नहीं आएगा। सो नेट इंटरनल फोर्स इज जीरो एंड देयरफॉर नो एक्सेलरेशन कम्स इन दिस बॉडी, ठीक है। तो वर्क डन हमेशा हम इंटरनल फोर्स का जीरो ले लेंगे। तो ऊपर मैंने बस ऐसे ही मेंशन करने के लिए कि कितने तरह का फोर्सेज होता है वो लिखने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। कमिंग टू नॉन इनर्शियल फोर्स, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कौन, फ्रिक्शन फोर्स। आपको पता है ना कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा क्या होता है वर्क डन, बताइए। फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन होता है वो किधर जाता है, नेगेटिव, हीट के फॉर्म में चला जाता है, यस नेगेटिव होता है, एंड इट लीड्स टू लॉस इन एनर्जी, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा वर्क डन क्या होगा, वो सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, हीट लॉस, ठीक है ना। ये लॉस को डेसिपेशन कहते हैं, डेसिपेटेड एज हीट फ्रॉम द सिस्टम, इसलिए हम इसे माइनस डेल्टा एच या माइनस डेल्टा क्यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, माइनस साइन इंडिकेट कर रहे हैं सिस्टम से बाहर निकलना, ठीक है, ओके। वॉट अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स लाइक एम जी, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका वर्क डन कहाँ जाता है? सो इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो बाय डेफिनेशन दिस इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, टेल मी यस नो, ये तो डेफिनेशन है ना। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट है ही, यही सारा एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं, मतलब थोड़ा और शॉर्ट करो, यहां तो बिल्कुल जनरलाइज करके सब कुछ कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, जैसे ग्राउंड वगैरह होता है, बताइए सीडो फोर्स का वर्क डन है या नहीं है? यस आई वॉन्ट टू नो, सीडो फोर्स का वर्क डन है या नहीं है इनर्शियल फ्रेम में? या नहीं है? नहीं है, तो लास्ट वाला जो शीडो फोर्स लिखा है उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का भी वर्क डन अब नहीं लिखेंगे, वो हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। वर्क डन एक्सटर्नल माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल्टा क्यू या डेल्टा एच, एच लिख देते हैं चलो। व्हाट इज डेल्टा एच, टेल मी, ऊपर मेंशन किया था मैंने, व्हाट इज डेल्टा एच, हीट लॉस, ठीक है। माइनस साइन क्यों, क्योंकि हीट लॉस होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए माइनस डेल्टा पी क्यों, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है और बाय डेफिनेशन ही आता है। तो माइनस साइन क्यों लिखा है यहाँ पे, सबको क्लियर है ना। लास्टली इस इक्वेशन को फिर से रीअरेंज करूँ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
प्लस हीट लॉस, है ना, सबको दूसरे तरफ इक्वेशन में लेके चले गए, तो ये निकल के आ रहा है। क्या मतलब है इसका? देखो क्या मीनिंग है, नीचे गिरा बेटा, जाइए उधर से निकाल लिसन नाउ, दिस इज अ इंक्लाइन प्लेन विच इज रफ एंड यू हैव टू पुश अ ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, खुद ब खुद तो ये ब्लॉक ए से बी पे नहीं जाएगा, सो यू हैव टू पुश, ठीक है, सो यू आर फोर्सिंग इट अप, सो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ठीक है, अब बताओ कि इस पर्सन को, मतलब तुम्हें, किसके किसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा? क्या एमजी के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो तुम? यस नो? यस सर। यस, मतलब एमजी को भी ओवरकम करना है। क्या फ्रिक्शन के अगेंस्ट में भी वर्क हो रहा है? तो यस, फ्रिक्शन के भी अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो इसके अगेंस्ट में ही हम पुश करके ले जा रहे हैं। ठीक है, और जहां से स्टार्ट किया था वहां पे कुछ वेलोसिटी हो, यू मे टेक इट जीरो आल्सो, लेकिन जब बी पे पहुंचाना तो वहां पे कुछ वेलोसिटी आ गया मान लो, तो ये वेलोसिटी कहां से आया है? मेरे ही वर्क करने से आया है ना। ठीक है, सो मेरा वर्क कहां कहां जा रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, देख लो फिगर, और साथ के साथ हीट लॉस में भी जा रहा है। तो बनता है ना ये वाला इक्वेशन कि मेरा वर्क डन जो होगा उसी के वजह से काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, उसी के वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, उसी के वजह से हीट लॉस भी होगा, मतलब फ्रिक्शन के वजह से हीट लॉस होगा लेकिन मुझे फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। सो आर यू क्लियर विद द इक्वेशन? ठीक है, अच्छा, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी रेस्ट में ब्लॉक रह जाए तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है, सो माय वर्क डन लीड्स टू ओनली टू चेंज, वन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इंक्रीज लॉस ऑफ हीट, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, सो आई हैव जस्ट रिड्यूस्ड माय फोर्सेस लाइक दिस। ठीक है, यस यस, बोलो राजेश सर, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा ना? ए से बी पे डिक्रीज होगा, तुम बताओ क्यों? सर फोर्स, फोर्स के अलोंग डिक्रीज होता है ना, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? mg, तो mg नीचे लग रहा है और ब्लॉक ऊपर जा रहा है, हाँ इंक्रीज होगा, सॉरी सर। नहीं ठीक है, यू हैव टू रेज द क्वेश्चन एंड यू आर, यू डोंट हैव टू से सॉरी, ठीक है ना, इट्स अ लेजिस्मेट राइट, जैसे हम गलती करते हैं ना, और गलती करते नहीं हो जाता है, सो ऑब्वियसली, तो ये करना है हम लोगों को, समझा, छोटा से छोटा डाउट्स को क्लियर करो। एंड आई सी बहुत सारे बच्चों में ये हैबिट नहीं होता अपने डाउट्स को क्लियर करने का, मे बी अभी टीचर के ऊपर तो कंस्ट्रेंट है, बट नाउ अ डे यू हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, केस नंबर टू मैं ले रहा हूं, इफ कंजर्वेटिव फोर्स, इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट एक्टिंग, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हीट लॉस नहीं हो रहा है, इज जीरो, दिस इंप्लाय दैट नो हीट लॉस,
है ना, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब फ्रिक्शन को हटा दिया मैंने, तो फिर कोई हीट लॉस नहीं होगा। तो उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक्सटर्नल एजेंट जो भी कर रहा है उसका रिजल्ट ये आएगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा बॉडी के। सो बताओ यहाँ पे ए से बी पे ले जाने पे कौन कौन से एनर्जी में चेंज आ रहा है? दोनों एनर्जी में चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है और मान लो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, ठीक है। बताओ इस केस में कौन सा एनर्जी गेन कर रहा है ये? हॉरिजॉन्टल केस में, टू केस में, ए से बी पे ब्लॉक को ले जाओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है केस टू में? तो यहां पे सीधा सीधा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? क्योंकि यस सर। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है ही नहीं, हाइट चेंज नहीं हो रहा है ना, सो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। वर्टिकल केस लेता हूं, वर्टिकल केस में ए से बी, यहां पे यू जीरो था और यहां भी यू जीरो ही है, मतलब धीरे से एक बैग को उठा करके 2 मीटर ऊपर रख दिया बस। सो ए पे भी स्पीड नहीं है, बी पे भी स्पीड नहीं है, बट किसी ने वर्क तो किया है ना, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स तो लगा है इसके ऊपर, बिना उसके कैसे चला जाएगा बी पे? सो टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ओवर हियर? इज इट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंसिडरिंग दिस स्पेशल केस वेयर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंजिंग? क्या ये बात क्लियर हुआ? यस सर। सो ये जो इक्वेशन लिख रहा हूं ये इस मेन इक्वेशन का ही तो रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, इस मेन इक्वेशन का ही रिड्यूस्ड फॉर्म है, और ये जो इक्वेशन अभी लिखा है ये पीछे के मेन इक्वेशन से, वर्क एनर्जी थ्योरम का मेन इक्वेशन से रिड्यूस करके निकाला है ना, धीरे धीरे स्पेशलाइज होते जा रहे हैं। अब देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या किया। केस नंबर वन में तो सारा फोर्स को रखा, केवल इंटरनल फोर्स का, ऐसे भी नहीं होता है वर्क डन, और स्यूडो फोर्स तभी लेना है जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करेंगे, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। तो उन दोनों को रिड्यूस किया तब भी अभी मेरा केस जनरलाइज्ड ही रहा, केस नंबर वन, ठीक है, कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और इन सब का रिजल्ट होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी वर्क डन को मैंने अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर समझाया कि देखो इसका मीनिंग ये भी निकल के आया कि जो मैं वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, सारा दारमदार जो है ना एक्सटर्नल एजेंट के ऊपर है, वो जो वर्क कर रहा है उसके ही वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, उसके ही वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी आ रहा है, और उसके ही वजह से फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ा तो हीट लॉस भी हो रहा है। सो इस पर्सन का वर्क डन इन तीन एनर्जीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अब मैंने हीट लॉस को रिड्यूस खत्म कर दिया यहाँ पे, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हटा दिया है, तो फिर जो भी वर्क डन है वो काइनेटिक एंड पोटेंशियल में चला जाएगा, ठीक है। उस काइनेटिक एंड पोटेंशियल में जा रहा है तो हो सकता है कि केवल काइनेटिक चेंज हो, पोटेंशियल ना चेंज हो, और ये भी हो सकता है कि केवल पोटेंशियल चेंज हो, काइनेटिक ना चेंज हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों चेंज हो जाए। सो दोनों के लिए मैंने जनरल इक्वेशन लिखा है। यहाँ पे वी ए स्पीड है, यहाँ पे वी बी स्पीड है, लेट से वी बी इज मोर देन वी ए, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नाउ माय थर्ड केस, जिसे आप पॉपुलरली जानते हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है। सो इफ वर्क एक्सटर्नल इज ऑल्सो जीरो, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, देन डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल जो कि जीरो था इक्वल्स टू इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन, यस बेटा,
हाँ आई डोंट नो, ठीक है। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट नहीं लग रहा है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग। मतलब एमजी लग रहा हो, स्प्रिंग फोर्स लग रहा हो, लेकिन आप नहीं है वहां पे, आपने छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है, जिसे कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट डज इट लीड्स टू, इट लीड्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। और इसका मतलब यही हुआ कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका कई मीनिंग निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, लेकिन सब एक ही चीज कह रहा होता है। इसका एक मीनिंग हो गया डेल्टा के ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा पी। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। रिमेंबर लॉस वर्ड के अंदर माइनस इन्वॉल्व है, क्या यह बात क्लियर है सबको? व्हेन वी से लॉस, ऑटोमेटिकली देर इज माइनस साइन, देर इज गेन, सो ऑटोमेटिकली देर इज प्लस साइन, राइट? सो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब प्लस के एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस डेल्टा पी, यही इसका मीनिंग है, ठीक है। तो इसका एक कंक्लूजन ये है, उसी कंक्लूजन को दूसरे तरीके से रीड करो, तो आप जानते हो ना कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को पी फाइनल माइनस पीई इनिशियल ऐसा लिख सकते हैं। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज के फाइनल प्लस पीई फाइनल, जो माइनस साइन वाला है उसे दूसरे तरफ ले लें, तो के इनिशियल प्लस पीई इनिशियल। नाउ दिस इज टोटल इनिशियल फाइनल एनर्जी, एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू एनर्जी इनिशियल, यू गॉट इट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले से पढ़ा हुआ है तुमने, ठीक है ना। सो दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज योर कॉल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को शॉर्ट में पढ़ोगे कम, COME, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है? तो ये कहता है इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, इन दैट केस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, जो कि ये वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी भी स्टेज पे टोटल एनर्जी जो होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। इफ ऑनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज एनर्जी एट स्टेज वन इक्वल्स टू एनर्जी एट स्टेज टू, एनर्जी एट स्टेज थ्री, एनर्जी एट स्टेज फोर, सो। जब आप ई लिखते हो तो ई के अंदर दो एनर्जी है, कौन कौन है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पोजिशन। टू पोजिशन पे जब लिख रहे हो टोटल एनर्जी ई, इसका मतलब आप समझोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू, पोजीशन थ्री पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन थ्री एंड सो ऑन। समझ में आया सबको ये बात? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपको पहले से भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज द एवरीथिंग आई स्टार्टेड विद वॉज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड नाउ आई एम फिनिशिंग एट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। जब बहुत सारा कंडीशन हम लगा देंगे ना वर्क एनर्जी थ्योरम पे, तो वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। व्हाट इज दैट कंडीशन? आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू नाउ। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी, क्या मैंने पूछा? या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंडीशन क्या है? केवल कंजर्वेटिव फोर्स जब लगेगा तो ठीक है। जिसका एक सिंपल एग्जांपल, एक बॉल को ड्रॉप किया, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल एट डेप्थ डी इफ लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर एक बॉल को मैंने रेस्ट से छोड़ा यू बराबर जीरो से, तो डी डेप्थ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यह है क्वेश्चन। तो एक तो आपके पास काइनेमेटिक्स का मेथड है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना, और उससे क्या आ जाएगा, ये 2g इंटू डी आएगा ना। अब हम लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्यों लगाएंगे? सो यू ऑब्जर्व व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, इट इज ओनली mg, है ना, ओनली mg एक्टिंग ऑन बॉल, एंड देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लीकेबल है, ठीक है। सो व्हाट इट सेज कि एनर्जी एट इनिशियल इक्वल्स टू एनर्जी एट फाइनल। सो एनर्जी एट इनिशियल का मतलब कौन सा पोजीशन? ऊपर वाला। फाइनल मतलब कौन सा पोजीशन? नीचे वाला। तो ऊपर वाले पोजीशन के लिए एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी जीरो मान सकते हो, इफ यू विश आप यहीं पर ले लो, ठीक है। ये बात पहले बोला है तुम लोगों को क्या मैंने, कि आप कहीं भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हो? टेल मी यस नो, क्या ये बोला है मैंने कि कहीं भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जा सकता है, माना जा सकता है? श्रीपति, नो डोंट डिस्टर्ब, आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म मी गाइस। यस सर। ओके फाइन। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कहीं भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस केस में आप जीरो ले सकते हैं, तो मर्जी आपकी, ठीक है। आप लोअर लेवल पे लेना चाहते हो तो भी चलेगा, ऊपर वाले पे, तो मैं ऊपर ले रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इनिशियल, तो के आई का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आई प्लस काइनेटिक एनर्जी आई। ई एफ का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल मतलब आप नीचे देखोगे और इनिशियल मतलब ऊपर देखोगे, ठीक है ना। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना ले रखा है मैंने? जीरो। इनिशियल स्पीड कितना था? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया इनिशियली। आ जाओ दूसरी तरफ, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन? तो डी डेप्थ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम जी इंटू डी,
है ना, जीरो से नीचे है इसलिए माइनस एम जी इंटू डी। काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, नीचे में वेलोसिटी वी है। रीअरेंज दिस सो यू विल गेट रूट अंडर टू जी इंटू डी व्हेन यू रीअरेंज इट। ठीक है, तो ये है हमारा दोनों मेथड से सॉल्विंग, ये काइनेमेटिक से सॉल्विंग किया और ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से सॉल्व किया। ठीक है, तो ये सवाल उठेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम कब लगाएंगे। अब ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट अंडरस्टैंड वर्क एनर्जी थ्योरम तब लगाना जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से वर्कआउट कर सकते हो। सो थ्योरी इतना ही है, रेस्ट इज द प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक लास्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर फटाफट बता दो, आई विल क्लोज द सेशन। फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एच, थ्री स्टोन्स आर थ्रोन इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शन, वन टू थ्री। सबका पाथ भी तुम्हें क्लियर दिख रहा है, राइट? फ्लोर पे हिट करने के पहले सबका स्पीड है वी वन वी टू एंड वी थ्री, उल्टा लिख दिया ऐसा। बताओ मुझे इन तीनों में से किसका कौन ज्यादा होगा, वी वन वी टू वी थ्री में कौन ज्यादा होगा? ऑल आर थ्रोन इनिशियली विद द सेम स्पीड, ये लिखा नहीं है मैंने, ये देना होगा। ऑल आर थ्रोन विद सेम स्पीड U, U and U. Initially they all are thrown with the same speed. So which particle will hit the floor with the higher velocity or higher speed? The answer is all will hit with same speed. हाँ, ये जरूर है कि दे ऑल आर ग्रेटर देन इनिशियल स्पीड वी, क्योंकि नीचे आया है तो काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है, क्यों? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के वजह से। तो सब में बराबर पोटेंशियल एनर्जी लॉस है ना, एम जी एच का लॉस, ठीक है ना? सो इसलिए सब में बराबर काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, इसलिए फाइनल स्पीड भी सबका बराबर होगा। सो आई विल टॉक ऑन दिस इश्यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? सो वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का थ्योरी अभी किया है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन सब इश्यूज को फिर से देखेंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, सो क्लोजिंग दिस सेशन नाउ।